थोड़े दिन रुक जाओ, सारे करेंगे हरे रामा हरे कृष्णा, क्योंकि सबको पता है जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, करके देख लेना। और जियो तो राम और मरो तो राम, और जिसने लिया राम का नाम उसी का हुआ कल्याण, उसको धर्म अच्छा लगा। कोई पागल है जो आके इतनी दूर से यहाँ आके हमारे धर्म को अपना रही है, सचिन को अपना रही है? और दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। और प्यार जो होता है ना इंसान से होता है, सकल सूरत से नहीं होता। है तो हमारी औलाद ही पाकिस्तान भी, और अब तो दामाद भी है, और तो दामाद भी है, तो क्या दिक्कत, भेज देंगे पाकिस्तान आटा पूरे विश्व में भेज। वो एक बार बोले तो सही, पाकिस्तान हमें हिंदुस्तान से हेल्प चाहिए, आके घुटनों में पड़े जो हेल्प मिलेगी उसको हम देंगे, एक बार बोले तो सही। तो पाकिस्तान का दामाद बन गया इस गांव का बेटा, आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बड़ी बात हो गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लोग जो चिंतन करते हैं ये बढ़िया नहीं है। मैं जो कहता हूँ, मूल रूप से पाकिस्तान भी हमारा ही था, आज भी हम, क्योंकि हम आरएसएस के व्यक्ति हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, और एक ना एक दिन पाकिस्तान हमारे में ही मिलेगा। उसकी शुरुआत हो सकता है सचिन सीमा के माध्यम से ही हो रही हो, है? लाखों लड़कियां, अगर वो प्रतिबंध ना हो ना मुल्लाओं के, लाखों लड़कियां भारत के अंदर के लिए चल देंगी सीमा की तरह, क्योंकि यहाँ सुकून है, यहाँ शांति है, यहाँ जबरदस्ती किसी को हिजाब नहीं उड़ाया जाता। इस केस की जमात करवाने वाला जो है मेरा बेटा, ये मैं वकील हूँ मेरा, ये जो है इसमें लीगल पोजीशन हो गई है, जिस कारण से शासन प्रशासन इनको डाउन होना पड़ा है, क्योंकि कोर्ट में जो जमात कराई मेरे बेटा ने कराई है, और उसने उसका कोर्ट ने उसमें शर्त लगाई है, कोर्ट ने उसमें शर्त लगाई है कि जमानत तो हो गई किंतु आप कहीं जाएंगी नहीं। और कब तक नहीं जाएंगी, कब तक होती है वो सर, जब तक वो ट्रायल चलता है, वो ट्रायल जब तक चलेगा इसको कोई नहीं हटा सकता। यद्यपि सरकार देखो बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार बहुत बड़ी चीज़ है, किंतु कोर्ट की अवमानना कोई नहीं कर सकता। अगर मान लो बोलते भी हैं, मीडिया तो गलत कर रही है, एक बताओ, काम तो हम करेंगे, खजूर पैसे तो हम उतारेंगे, जमात हम कराएंगे, आके कोई एपी सिंह बन जाएंगे, और जिन्हें इतनी भी पता नहीं है, नहीं इतनी भी पता नहीं है कि पहले क्या राष्ट्रपति को दी जावे, पहले ऊँचे स्तर पर जाया जावे कि नीचे चला जावे, ऊँचे राष्ट्रपति को नहीं दी जाती पहले, और ना राष्ट्रपति को दिए जाने का प्रोसीजर है, इसमें कहाँ प्रोसीजर है, नागरिकता का कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, उस चीज़ छोड़कर हम वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर मान लो वहाँ से फेल हो गई तो फिर हम कहाँ करेंगे, फिर नीचे की कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति के डर की वजह से सुनेगी नहीं। इसलिए नादानी के खेलने कि मेरी 26 साल की उम्र है, वो बोले कि 26 साल की प्रैक्टिस है, मेरी 45 साल की है, मेरी प्रैक्टिस तो 45 साल की है। तो हम लीगल बात करते हैं, अगर वो किसी उससे जुड़ी हुई आतंकवाद से तो दुनिया की कोई ताकत रखेगी नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ, कल ही मैंने कही ना बोलना चाहिए, क्योंकि ऊपर से वो भी रहता मेरे ऊपर भी, तो मैं भारत सरकार का एक वकील हूँ, तो उसमें यह है अगर नहीं है जुड़ी हुई तो हमें मालूम है कि हमारे कस्बा आई है, हमें पता है सारी परिस्थितियों को मालूम है, कहाँ वो हिंदू बनी, कहाँ कैसे हुई, कहाँ ज़रूरत है, नेपाल से ज़रूरत है कि नहीं है, कैसे आते हैं क्या, इस सब की हमें ज़्यादा हो सके, ए पी सिंह जी से ज़्यादा हमें पता हो सके, हमारी उम्र उनसे ज़्यादा हो सके, हमारी प्रैक्टिस उनसे ज़्यादा हो, वो क्योंकि वो 26 की बता रहे हैं, मैं 83 से रजिस्टर्ड हूँ वकालत में, किंतु ये नादानी के खेल नहीं खोले जाते। वकालत होना कोई मैं ये थोड़े का हम कुछ ही कर बैठेंगे। देखो सुनो, अगर वो सही है या गलत है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, मीडिया करेगी डिसाइड, इसको सुरक्षा एजेंसी करेंगे, वो निकाल के लाएंगे, कहीं है तो उसके सबूत लाइए, नहीं है तो वो, क्योंकि सचिन की पत्नी है, अफवाह फैला रहे, वो गलत है ना, राजीव गांधी की पत्नी आई, अरे उनका तो नाम राजीव गांधी की पत्नी आई, वो कितने दिन बाद नागरिकता मिली, है ना, जो वो केस है वो ये केस है। हाँ सही बात है, ठीक है, जब राजीव गांधी की पत्नी को नागरिकता मिलेगी तो इसकी सचिन की पत्नी को भी नागरिकता मिलेगी। अच्छा ये भी कह रहे कि इतना जल्दी जो है आत्मसात कर लिया भारत के कल्चर को, सनातन के कल्चर को, ये वस्त्र देख लीजिए आप, बोल चाल देख लीजिए, ये कहने के लोगों में कह रहे कि संदेह की स्थिति पैदा करते हैं। साड़ी क्या मतलब, कहाँ से आती है साड़ी, कोई 10,000 किलोमीटर दूर से आती है क्या, क्या साड़ी पाकिस्तान में नहीं मिलती होगी, क्या राम राम पाकिस्तान के लोग नहीं बोलते होंगे, सनातन धर्म तो सबको पता है, रशिया वाले भी अब हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, सारे करेंगे हरे राम हरे कृष्णा, क्योंकि सबको पता है जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, करके देख लेना। और जियो तो राम और मरो तो राम, और जिसने लिया है राम का नाम उसी का हुआ कल्याण, उसको धर्म अच्छा लगा। कोई पागल है जो आके इतनी दूर से यहाँ आके हमारे धर्म को अपना रही है, सचिन को अपना रही है? और दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। और प्यार जो होता है ना इंसान से होता है, सकल सूरत से नहीं होता। कोठी वाले की लड़की जो है ना ड्राइवर के लड़के के साथ भग जाती है, तो क्या वो सकल सूरत देख के भगती है? प्यार तो 3 लाइन में हो जाता है, पूछो क्या सैलरी आपको मिलती है, हाँ वो देखो उसको भी हुआ होगा लग रहा है, आई लव यू बोल रहा है वो, हाँ आई लव यू।
तो होने को हो जाता है, और कईयों के लिए तो तेरे जैसे 10 ने बोल दिया मेरे को, तो उसके अंदर फीलिंग नहीं है। अब अगर उनके अंदर है, शर्म है, मर्यादा है, साड़ी पहन रही है, मांग भर रही है, अरे मांग के बारे में इनको क्या पता। सनातन धर्म में मांग की एक अलग वैल्यू है, आँख उठा के नहीं देखता समाज में आदमी अगर मांग भरी हुई कोई औरत निकले तो, क्योंकि वो किसी की लुगाई होती है, किसी की वो घर की इज्जत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि मांग भरो। आजकल नया फैशन चला है, इतना सा लगा ले कि चिट्टी सा बस, हल्का सा चिट्टा सा बस बोले, और उसके बाद अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं। देख देख बहन, मैं बस पे चढ़ती हूँ तो लोगों को लगता ही नहीं मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। अबे पागल, फकर से कहो ना हमारी शादी हुई है। अगर भाई साहब एक बात बताऊँ, बाप देखो माँ के लिए सबने स्टोरियाँ बनाई है, माँ के लिए सबने करा है। मेरे हिसाब से बाप का भी उतना ही महत्व है दुनिया में जितना माँ का होता है। और बाप जो होता है ना, एक ऐसी छतरी होती है, बाप आसमान होता है, बाप सूरज होता है। और जिसका बाप होता है उसके दिल से पूछो, जब चौड़े होके कहता है ना पापा, उसके दिल में एक सुकून अलग होता है। माँ तो होती है, मगर भाई साहब बाप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में। तो जो मांग होती है ना, वो बाप से ही भरी जाती है, पति से ही भरी जाती है, मतलब जो पति होता है। तो पिता की भी एक वैल्यू होती है। और सबसे पहले इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बोला जाता है, तू अपने बाप का नाम बता पहले। ठीक है, माँ का लाड है, दूध माँ का होता है ना, तो कर्ज जो होता है वो बाप के रक्त का होता है, बाप के रक्त का जो रक्त होता है ना, खून, वो बाप का होता है। तो इसीलिए माँ को भी दो। टॉपिक तो खैर अभी सचिन सीमा का है, मगर साथ के साथ थोड़ा सा सोशल ज्ञान भी जाना चाहिए। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, टमाटर, तोरी, ककड़ी, कच्चा बादाम, पक्का बादाम, अच्छे अच्छे छोटे छोटे बच्चे राधे राधे कर रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो अच्छी चीज़ें हैं। तिलक लगा के घूमो, फ़कर से कहो। एक कम्युनिटी है, मैं उनकी बुराई करता हूँ तो अच्छाई भी करता हूँ, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। फ़कर से टोपी लगा के घूमती है और दिखाती है कि हम मुस्लिम हैं। तो तुम फ़कर से टीका लगा के घूमो और भगवा गमछा डाल के घूमो, अरे तुम्हारा तो योगी नीचे से ऊपर तक पूरा ही भगवा है मेरे भाई। तुमने तो उसको चुना हुआ है, तो काहे की शर्म करते हो। वो गमछा नहीं डालता, उसका तो टावल भी भगवा होता है जिसमें वो बैठता है। वो पहले चेक करता है, बोले टावल भी ऑरेंज होना चाहिए मेरा, क्योंकि लगना चाहिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस वस्त्र को अपनाया है, वो कलर है, उसके अंदर हमारी संस्कृति है। और गुरु नानक देव जी, गुरुद्वारों में चले जाओ, किसी धार्मिक स्थल में चले जाओ, आपको नारंगी रंग ही मिलेगा। और उसकी पहचान ये है, फर्स्ट एंड लास्ट, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे में सबसे ऊपर जो है वो भगवा है। इन को क्या पता भगवा की क्या पहचान होती है। अच्छा, यहाँ की जनता जो है, इस गांव की जनता ने क्या सीमा सचिन को अपनी बेटी मान लिया है क्या, या अभी भी कोई संदेह है? अरे वो तो गांव वाले बताएंगे भाई साहब, संदेह नहीं है। ये हिंदू कानून के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 7 में जो विवाह की जो पद्धति वो बताई है, तो 9 प्रकार की शादी होती है। मैं एडवोकेट हूँ इसलिए बता रहा हूँ। उसमें ये भी है कि जो ट्रेडिशन है हमारी, प्रथा, किसी प्रथा के इंसान से, रूढ़ी के हिसाब से, कि भाई अगर हमने जैसे मांग भर दी और मांग भर के मंदिर में दर्शन कर आए, अभी मैं रखी आया हूँ कागज, उनकी भुट्टो की, इसके मामा की लड़की, भुट्टो साहब की पोती, वो भी मंदिर में दर्शन पाकिस्तान में करने के लिए गई है, ये भी पाकिस्तान की है मान लो, तो ये दर्शन करी आई, तो साली को और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, तो 2 हिंदुओं की शादी है ये। और ट्रेडिशन के हिसाब से, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी करी गई है, जो वैलिड है, जो इनवैलिड नहीं है। तो वैलिड शादी है, 2 हिंदुओं के बीच में हुई है। सचिन भी हिंदू है, सीमा ने हिंदू धर्म पाकिस्तान में ग्रहण कर लिया और नेपाल में आके उन्होंने अपनी ट्रेडिशन निभाई और हिंदू धर्म के अनुसार मांग भर दिया, इतना ही बहुत है। ये नहीं है कि यद्यपि अगर पूर्ण होकर सप्तपदी होनी चाहिए, किंतु उसमें सप्तपदी का बाद में है, 7 के सेकंड में है, 7 के फर्स्ट में यही दिया है कि हम अपनी रूढ़ी प्रथा के हिसाब से शादी करते हैं। फिर दूसरी बात, ये समाज मानने लगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में बड़ा ये कहा जा रहा है कि अगर सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा तो हम असले बारूद ले आएंगे, हम बंदूकें ले आएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है, आपको क्या मानना है? ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा, ये तो खैर वो इतनी ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान से, जो आम नागरिक है कहने के, ऐसे बलूचिस्तान ऐसे वीडियो वायरल, छोटे छोटे वीडियो है वो वायरल करके कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हमें लौटाई जाए। बाकी सरकार ने तो पहली बात मानी थी इस बात को, अगर वो लोग ये सोच रहे हैं हिंदुस्तान में हम अटैक करेंगे तो ये तो इन लोगों की भूल है। अब ये मोदी योगी की सरकार है, वो चाहते हैं कि दोबारा वहाँ पे सर्कल स्ट्राइक हो उनका, तो दोबारा हो जाएगा फिर वो, अगर ये उम्मीद करते हैं तो हिंदुस्तान में, ये चीज़ भूल जाएं, वो हिंदुस्तान में अटैक नहीं कर सकते।
बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, अब तो पाकिस्तान का दामाद बन गया है इस गांव का बेटा, आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि बड़ी बात हो गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, लोग जो चिंतन करते हैं ये बढ़िया नहीं है। मैं जो कहता हूँ, मूल रूप से पाकिस्तान भी हमारा ही था, आज भी हम, क्योंकि हम RSS के व्यक्ति हैं, हम अखंड भारत की बात करते हैं, और एक ना एक दिन पाकिस्तान हमारे में ही मिलेगा। उसकी शुरुआत हो सकता है सचिन सीमा के माध्यम से ही हो रही हो, हैं? लाखों लड़कियां, अगर वो प्रतिबंध ना हो ना मुल्लाओं के, लाखों लड़कियां भारत के अंदर के लिए चल देंगी सीमा की तरह, क्योंकि यहाँ सुकून है, यहाँ शांति है, यहाँ ज़बरदस्ती किसी को हिजाब नहीं उड़ाया जाता, किसी की मर्जी है, कोई हिजाब ओढ़ो मत ओढ़ो, है ना। मैं तो लड़कियों को धमकाता रहा हूँ यहाँ भी, भारत की बच्चियों को, क्या ये क्वार्टर पेंट पहन के चल देती हैं, अपनी मर्यादाओं का और उनका ध्यान रखना चाहिए, अदब से भी रहना चाहिए, ये सारी बात हमको चलनी चाहिए। पाकिस्तान ने अभी तक कोई भी सरकारी रूप से कोई डिमांड सीमा के बारे में नहीं की है, क्या मतलब उन्हें, चली गई भुतेरी चली जा में, किंतु यहाँ पे भारत में कुछ ज़्यादा हो रही है, किंतु पाकिस्तान के जो चोर डकैते हैं वो बात कर रहे हैं, तो चोर डकैतों की नहीं चलती, वहाँ की सरकार को कोई विशेष बात होगी। यदि वो उन्होंने इसको अगर एजेंट बना के भेजा तो एजेंट की पता पड़ जाएगी अपने आप हमारी सुरक्षा बलों को, हमारे जो वो हैं CID LI। अच्छा, ये भी कह रहे हैं इस गांव में, मैंने सुना है कि अगर ये क्लीन चिट मिलती है और सीमा को यही भारत में परमिशन मिलती है तो हम पाकिस्तान में आटा बेच देंगे खुशी के हमारे, क्योंकि वहाँ वैसी किल्लत है, बड़ी गरीबी है। ये तो सरकार से मतलब हम थोड़ी अधिकारी हैं, सरकार हम भी, मैं भी सरकार क्लीन चिट देती है तो गाँव के लोग एक्चुअली क्या, देखो हिंदुस्तान हमारा अदर्स कंट्री की भी हेल्प कर रहा है, तो पाकिस्तान है छोटा सा तो क्या दिक्कत है, भेज देंगे, है तो हमारी औलाद ही पाकिस्तान भी, और अब तो दामाद भी है, तो क्या दिक्कत है, भेज देंगे पाकिस्तान आटा, पूरे विश्व में भेजेंगे। वो एक बार बोले तो सही, पाकिस्तान हमें हिंदुस्तान से हेल्प चाहिए, आके घुटनों में पड़े, जो हेल्प मिलेगी उसको हम देंगे, एक बार बोले तो सही, बेकार की लड़न दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार की सत्यता मानते हैं। अच्छा, तो देखिए आपने इस गांव में, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि हम तो सीमा को बिल्कुल अपनी बेटी मान चुके हैं, कोर्ट से एक क्लीन चिट मिलने की देर है, उसके बाद हम तो पाकिस्तान में आटा भी भेज देंगे, क्योंकि वहाँ वैसे भी किल्लत है और हमारा अब तो दामाद भी है। और ये जो गली है आप देख सकते हैं, फिलहाल सीमा और सचिन की तबीयत खराब है और ये एक मानवीय बात है, इसके लिए हम उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।